नमस्कार दोस्तों, तो हम आ चुके हैं हमारे नए शो जिसका नाम है आपकी शीतल। तो आज हमारा ये चौथा एपिसोड है। तो आज का बेसिकली जो एपिसोड होगा ये पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट के ऊपर होगा, क्योंकि इससे पहले जो भी हमारा शो गया है तो उसमें हम लोगों ने बहुत ही अलग अलग क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आज जो पूरा का पूरा शो होगा वो पूरे का पूरा शो एक ही सब्जेक्ट पर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीदी, वेलकम हमारे शो में। थैंक यू वंस अगेन। तो जो आज का हमारा इशू है, जो सब्जेक्ट है, वो है चकमा एंड हाजोंग इशू पे हम आज बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चकमा और हाजोंग का जो इशू है, ठीक है जी, ये स्टार्ट कहाँ से हो गया, मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ है? नहीं देखिए, भारत जब भारत को आजादी मिली थी अंग्रेजों से 1947 में, अच्छा, उसके बाद में आजादी से पहले तो भारत को दो हिस्सों में बांट दिया, पाकिस्तान और भारत बना के, इंडिया पाकिस्तान बना के। उसके बाद में इंडिया पाकिस्तान बनने के बाद में पाकिस्तान का जो हिस्सा है, एक वेस्ट पाकिस्तान बन गया, जो कि इस तरफ अमृतसर इस तरफ से है, लाहौर एक्चुअल पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं, और दूसरा इस तरफ बन गया ईस्ट पाकिस्तान। जी, तो जब पाकिस्तान के अंदर दो हिस्से में बटा गया, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, तो ईस्ट पाकिस्तान जब बनाया गया तो ये इस तरफ पड़ गया बांग्लादेश साइड, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश साइड में जब पड़ गया, वहां पे एक हिली रीजन है, हिली एरिया है जो बहुत ही फेमस है, आप अगर गूगल करोगे तो भी पता चल जाएगा, जिसको चिटागोंग हिल्स कहते हैं। तो चिटागोंग हिल्स में क्या थे कि कुछ वहां के हिली ट्राइबल लोग रहते थे, तो हिली ट्राइबल लोग जो लोग वहां पे रहते थे उसको चकमा ट्राइब्स और हाजोंग ट्राइब्स कहते थे, और उन लोगों का धर्म था हिंदू, उन लोगों का धर्म था बुद्धिस्ट। और जैसे ईस्ट पाकिस्तान जब बना, पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि इस्लाम के बेस में, हाँ, धर्म के आधार पे एग्जैक्टली हुआ था, तो जितने भी मतलब इस्लामिक धर्म वाले थे वो पाकिस्तान के हो गए थे। अब वहां पे जो हिंदू और जो बुद्धिस्ट रह रहे थे वो माइनॉरिटी में थे, तो जब माइनॉरिटी के अंदर आते तो वो इस्लामिक वाले मतलब वो डोमिनेट करना स्टार्ट हो गया एरिया में। जब डोमिनेट करना स्टार्ट हो गया तो वहां पे जाकर के चिटागोंग हिल्स में जाके उन लोगों ने अपना कब्जा जमाना स्टार्ट किया। एंड देन जब ये बात हुई और लोगों की बहुत मारकाट होने लगी, दंगा फसाद होने लगी, खून खराबा होने लगा, तो ये बातें भारत तक पहुंची। तो भारत तक पहुंचने के बाद में फिर भारत के प्रशासन को, सरकार को लगा कि नहीं, पहले तो वो डिवीजन से पहले तो भारत ही था ना, तो डिवीजन से पहले जब वो भारत ही था और भारत के ही लोग थे, और वो हिंदू और बुद्धिस्ट लोग जब माइनॉरिटी हो गए हैं तो उनको रेस्क्यू करना हमारा एक मानवता का भी धर्म है, तो क्यों ना उनको रेस्क्यू किया जाए। इसीलिए उन लोगों ने वहां से उनको निकाल के यहाँ इंडिया लेके आए, और इंडिया लेकर आने के बाद में विभिन्न ऐसे हिली एरियाज में उन लोगों को मतलब अलग अलग करके, कुछ को त्रिपुरा, कुछ को मेघालय, कुछ को इस तरफ नागालैंड साइड, और कुछ को अरुणाचल, ऐसे करके लोगों को मतलब टेम्पररी सेटलमेंट दिलवाया। okay. तो उन्हीं लोगों को कहते हैं चकमा एंड हाजोंग। तो ये तो रहा मतलब कैसे वो लोग इंडिया में आए। जी, तो इनको जो बसाने का रीजन था, ठीक है, ये आई थिंक 1964 के बाद से स्टार्ट हुआ था। जी जी जी, ठीक है। तो उसके बाद से क्या ऐसा हुआ और गवर्नमेंट उन्हें क्या बोल के लाई थी? कुछ तो डीबेक हुआ ही होगा ऑब्वियसली, जब गवर्नमेंट किसी दूसरे, क्योंकि जब वो देश एक क्रिएशन हो चुका था, चकमा राज मतलब वो तो बांग्लादेश में थे, तो जब उन्हें यहाँ सेटल डाउन किया गया इंडिया में, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल में जब उन्हें बसाया गया, तो अभी क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है कि उस वक्त तो कुछ उनको एग्रीमेंट करके लाया होगा कि आपको हम इतना दिन के लिए लाएंगे, या फिर इनको एज अ रिफ्यूजी लाए होंगे, तो अभी क्यों वो चीज पे बात नहीं हो रहा और कुछ जो एग्रीमेंट पहले था उसके मुताबिक शायद काम नहीं हो रहा है, इस पे क्या कहना है आपका?
देखिए उस काल के सरकार को ये उचित लगा होगा कि उन लोगों को रेस्क्यू किया जाए। फिर एग्जैक्टली उन्होंने पाकिस्तान देश के साथ क्या करार किया वो मुझे उसका इतना डिटेल्स ब्योरा मेरे पास नहीं है और वो करारनामा भी मेरे पास नहीं है। उन्होंने रेस्क्यू किया लोगों को, भारत लेकर आए, उनको एक टेम्पररी सेटलमेंट दिया ताकि लोगों की जान बचाया जाए और लोगों को थोड़ा सा टेम्पररी उनको थोड़ी सी राहत दी जाए। तो राहत शिविर कैंप की तरह लोगों को लेकर आए और उन लोगों को सांस लेने का मौका दिया। अब भारत की सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी, आई थिंक उस समय के सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी ही अडॉप्ट नहीं की होगी कि लोगों का करना क्या है, इनका बसेरा कहाँ होगा। मतलब भारत में उनको भारतीय बनाकर रखेंगे कि दोबारा वापस पाकिस्तान भेजेंगे या क्या करेंगे। अब उसके बाद में देखिए वो चीजें, उन्होंने ज्यादा उस मसले पर ध्यान नहीं दिया होगा। उन्होंने, उनको लगा कि इंसानियत के नाते उन्होंने लोगों की मदद की तो लोगों को यहाँ पहुंचा के रखा। उसके बाद जब लेकर आए थे तब तो कमी आबादी थे, जनसंख्या कमी थे। अब यहाँ रहेंगे लोग, बसेंगे तो उनकी एक जो नॉर्मल जो एक जीवन शैली होती है वो तो चलती रहती है। शादी करेंगे, रिश्ते नाते जोड़ेंगे, बच्चे पैदा होंगे तो ऑब्वियसली उनका भी पॉपुलेशन बढ़ेगा ना। तो इस तरीके से कर करके अब लोग जो है पूरा बिल्कुल भारत में लोग सेट हो चुके हैं। अब भारत में जब सेट हो चुके, कुछ त्रिपुरा में सेट हो चुके हैं और कुछ मेघालय में सेट हो चुके हैं, कुछ नागालैंड के कुछ पोर्शन में सेट हो चुके हैं। मतलब यू कहे कि पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में उन लोगों को अलग अलग जगह पर जहां जहां छोड़े गए थे वहां पर ऑलमोस्ट लोग सेट हो चुके हैं। तो कुछ हमारे प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में भी है, स्पेशली मेजोरिटी जो है कि वो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के तरफ है और कुछ सेक्शन यहाँ पर भी रहते हैं हमारे पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट, जो अपना जो अभी नया रिसेंटली जो एयरपोर्ट बना है होलोंगी, हाँ होलोंगी के पास में कोकिला में सेसा बोल के पूरा, वहाँ सेसा ये चकमा विलेज है वहाँ तो वहाँ चकमा विलेज वन विलेज टू करके ब्लॉक वन ब्लॉक टू करके पूरा चकमा विलेज है। तो ऑलमोस्ट अभी जो एयरपोर्ट जो बना है, एयरपोर्ट के कुछ जमीन भी शायद चकमा लोगों से भी उन लोगों ने एक्यूर किया हुआ है सरकार ने। तो ऐसे करके मतलब चकमा एंड हेजोंग रह रहे। अब हमारी अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा ये है कि इश्यू ये है कि अरुणाचल प्रदेश सिक्स शेड्यूल ट्राइब के अंदर आते हैं तो एक प्रोटेक्टेड लैंड जोन में पड़ता है जी। तो ट्राइबल लैंड है पर आपको तो पता होगा नॉर्मली अरुणाचल के अंदर जाने के लिए किसी भी नॉन अरुणाचली को आईएलपी बनाना पड़ता है कि पहले आप आईएलपी ले लो, कितने दिनों के लिए अरुणाचल आ रहे हो। लाइक वाइज हम जब किसी देश में जाते हैं, विदेश में फॉरेन ओवरसीज जाते हैं तो हम वीजा लेते वीजा लगता है जी कि हम इतने दिनों के लिए जा रहे हैं, इस काम के लिए जा रहे हैं और हम वहाँ इतने दिन रुकेंगे फिर हम वापस आएंगे, पूरा डिटेल्स आपको देना पड़ता है। तो अरुणाचल में भी एक ट्राइबल स्टेट है जो कि एक रिजर्व स्टेट है, मतलब जो कि एक बहुत ही कंजर्वेटिव जोन है ना। वहां जाने के लिए भी आपको, अगर आप भी चलोगे, मैं आपको बेटा मानती हूँ, राजा मेरा बेटा, आपको भी मैं अरुणाचल लेके जाऊंगी तो पहले मैं अपनी गार्जियनशिप में आपको मुझे वहां से आईएलपी दिलवाना पड़ेगा। पहले आपके नाम से आईएलपी निकाली जाएगी कि ये रबानी राजा, इनका बाप का पिता का नाम ये, माता का नाम ये, गांव यहाँ से, ये इस शहर से, और अभी अरुणाचल जा रहे हैं, किसके गार्जियनशिप में जा रहे हैं, तो कोशिकल के गार्जियनशिप में जा रहे हैं, कितने दिन रुकेंगे, क्या करेंगे, किस परपोज के लिए जा रहे हैं, तो ये पूरा डिटेल्स देना पड़ता जी। और उसके साथ साथ अरुणाचल में हमारा अपना अरुणाचल का जो एक हमारा देखिए नॉर्थ ईस्टर्न आसाम फ्रंटियर एक्ट बोलिए या बंगाल फ्रंटियर एक्ट बोलिए, उसमें हमारे संविधान में भी ये पूरा क्लियरली मेंशन है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई भी बाहरी आदमी आके वहाँ सेटल नहीं हो सकता है। तो कोई भी बाहरी आदमी आके वहाँ सेटल नहीं हो सकता है, एक नंबर। और दो नंबर, आज तक अरुणाचल प्रदेश इतना पीछा भी क्यों है आपको पता है, इसका सबसे मुख्य कारण ये भी है कि अरुणाचल में हमारा एक ऐसा कानून है कि किसी भी बाहर वाले को हम जमीन बेच नहीं सकते। हाँ। कोई भी बाहर वाला आकर के अरुणाचल में जमीन परचेस नहीं कर सकता। जैसे दुबई में हर कोई खरीद लेता है, बैंकॉक में हर कोई खरीद, यहाँ दिल्ली में हर कोई खरीद लेता है, वहां मुंबई महाराष्ट्र गोवा जहां भी वो हर कोई खरीद लेता है, बट अरुणाचल में इट इज कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड कि आप बाहर वाला कोई भी जमीन आप पैसा देकर के नहीं खरीद सकता है। तो आप जस्ट इमेजिन करके देखिए किसी को फ्री में ला के आप बिठाएगा उसको जमीन कैसे दे देगा। ये मुद्दा है अरुणाचल प्रदेश में, इशू यही है। इसीलिए बहुत सालों से पीरी दर पीरी से लोग चकमा हजोंगो बेग, चकमा हजोंगो बेग, चकमा हजोंगो बेग का नारा लगाते हैं। तो चकमा हजोंग जबकि इतने साल जैसे आपने बोला आफ्टर 1964 के बाद
लोग जब इंडिया में आ चुके हैं, ये एक्चुअली ये पूरा गैर जिम्मेदाराना काम और इसकी पूरी जिम्मेदारी उस समय के सरकार को, भारत के सरकार को लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहा। आई थिंक ऑब्वियसली INC से रहे होंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का सरकार था, तो उन लोगों को एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए थी, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहिए था, कि एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए थी कि इन लोगों को, क्यों ये लोग इंसान नहीं है, दे आर ह्यूमन बींग्स, और दे आर ह्यूमन बींग्स यही कह करके तो आप उनको रेस्क्यू करके वहां से इस पाकिस्तान से लेकर आए थे। अब उनको एक अच्छी जिंदगी देना, उनका शहर बसवाना, उनका गांव बसाना, ये तो भारत की सरकार की जिम्मेदारी थी ना। जब आप उनको बचाकर लेकर आए थे तो उनको सही सलामत यहाँ पे एक अच्छी जीवन, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ देना भी उनकी जिम्मेदारी थी, तो वो उन्होंने क्यों नहीं निभाया, ये पूरा बहुत बड़ा सवाल भारत के सरकार के ऊपर जाता है। तो इसीलिए भारत के सरकार, उस काल के सरकार, अब ये मुसीबत यहां तक आ गई है कि अभी देखिए अरुणाचल वाले जो क्लेम करते हैं वो भी सही है, क्योंकि हम अरुणाचल एक इंडिजिनस लैंड है, ट्राइबल लैंड है, वहां से हम एक इंच भी जमीन नहीं देंगे बोलते हैं। दूसरी बात ये है कि फिर चकमा एंड हजोंग का क्या गलती है, वो लोग भी तो इंसान है, वो लोग भी इंसान है और उन लोगों को भी एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने का हक है। क्यों हमेशा वो लोग यातनाएं सहे, क्यों टॉर्चर सहता रहे वो लोग, हर दम हर पल कोई भी आएगा उनपे ओवर पावर करेगा, कोई भी कुछ होगा तो चकमा हजोंग गो बैक करेगा, रेफ्यूजी गो बैक करेगा, तो ये उनके सिर पे जो एक तलवार हमेशा लटकता रहती है। जी, कि उनका कुछ भी अता पता नहीं, उनका भविष्य क्या होने वाला है। जो बुजुर्ग है वो तो चले दुनिया छोड़ के चले भी जाएंगे, तो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो बच्चे, उनका जो नस्ल है, उनका बसेरा कहाँ होगा। ये आज की डेट की बहुत बड़ी समस्या है और कुछ लोग इसको बहुत ही इजीली हल्के में ले लेते हैं। कुछ कहते हैं, चकमा हजोंग कहते हैं कि हम मर जाएंगे, हम जमीन छोड़ कर नहीं जाएंगे, हम यहीं पर, हम इतने साल से रह रहे, जब देश आजाद हुआ उसके बाद से लेकर के, जब अरुणाचल स्टेट ही नहीं बना था, जब यूनियन टेरिटोरी था, नेपाल का देश से हम रह रहे, तो हम क्यों छोड़ेंगे, ये कह रहे हैं। और जबकि चाहे वो नेपाल के देश से हो या स्टेट हुड के बाद से, अरुणाचल का तो एक सदियों से अपनी एक कानून थी कि हम अपना जमीन किसी को नहीं देंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, आप चाहे जितना भी गड्डी गड्डी पैसा लेके आओ फिर भी हम आपको अपना जमीन नहीं बेचेंगे। जब जमीन बेचा ही नहीं जा सकता तो फिर वहां फ्री में किसी को कैसे एडजस्ट किया जा सकता, ये भी तो एक प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आज की डेट की सबसे बड़ी समस्या। इसलिए जब पिछले दिनों चकमा ब्रदर्स और हजोंग भाई लोग जब यहाँ अरुणाचल से चलते हुए यहाँ जंतर मंतर नई दिल्ली पहुंचे, दिल्ली आए थे, हाँ, उन लोगों ने प्रदर्शन किया था, तो यहाँ पे धरने पे बैठे थे जंतर मंतर पे जी। वो देखने के बाद मैंने भी अपने लाइव वीडियो के माध्यम से, अपना जो फेसबुक लाइव होता है जी, उनके माध्यम से मैंने भी दो शब्द रखी थी कि ये आज के स्थिति में हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुख्य एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। क्योंकि आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का समस्या तो लगा रहता है, डेवलपमेंटल समस्या लगी रहती है, करप्शन की समस्या भी लगी रहती है, लेकिन वो सब चीजें जो है एक इंसान की जरूरत की समस्या है, लेकिन यहाँ पे समस्या तो इंसानों के लिए है, जीता जागता इंसानों के लिए, सांस लेने वाले इंसानों के लिए समस्या है। तो इस समस्या को अब और ज्यादा देर ना करते हुए, चाहे सरकार किसी भी पार्टी का हो, पहले दिनों कांग्रेस ने गलती करी तो आज भाजपा की सरकार आई है देश में, तो भाजपा की सरकार से हम और ज्यादा उम्मीद करते कि वो बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। तो इसीलिए मैं अपने उस लाइव फेसबुक लाइव के माध्यम से भी मैं अपील कर रही थी, और आज दोबारा आपके इस मंच से भी मैं अपील करना चाहती हूँ भारत के सरकार से कि इसको रिजोल्व कीजिए, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन दे दीजिए, परमानेंट सेटलमेंट दे दीजिए ना, कि हम चाहते हैं कि हमारे चकमा भाई, हजोंग भाई भी इज्जत के साथ जिए, जहां भी रहे वो इज्जत के साथ रहे और बिल्कुल इक्वल स्टेटस, इक्वल डिग्निटी के साथ वो जिए, उनपे कोई अत्याचार ना हो, उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार हो, तो वो चीज, उनको रिस्पेक्ट देना, उनको इज्जत देना, ये भारत के सरकार के ऊपर में जिम्मेदारी है, उसके कंधे पर है। भारत के सरकार को भी इस बात का अच्छा खासा इल्म है कि अरुणाचल में जमीन हम नहीं दे सकते। तो एक और क्वेश्चन बन के आता है दीदी, जैसे कि इसका परमानेंट सोल्यूशन जो होगा, मतलब आपके नजर में परमानेंट सोल्यूशन कैसे हम इसका ला सकते हैं, कि इनको कैसे परमानेंट सोल्यूशन दिया जाए, वो अरुणाचल में हो या फिर
ऑल ओवर इंडिया में हो, उनको कैसे सोल्यूशन दिया जा सकता है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि अरुणाचल में इसका सोल्यूशन कुछ भी हल निकाला जाएगा। इसलिए मैं पिछली बार भी कह रही थी, अरुणाचल की सरकार से भी कह रही थी कि अपना क्लियर स्टैंड दे दीजिए, आप लोग अपना क्लियर स्टैंड दे दीजिए और कंफ्यूजन में चीजों को मत रखिए। अरुणाचल की सरकार भी कम नहीं है, ये लोग भी कंफ्यूजन में रखते हैं। हाँ। इनको सीधे मुंह कहते भी नहीं है कि आप कहीं और सेटल हो जाइए, क्योंकि उनको कह के तो फायदा नहीं। अरुणाचल के सरकार को अगर बात करना भी होगा तो भारत की सरकार से ही बात करना हाँ। चाहिए, क्योंकि भारत की सरकार ने उनके ऊपर ये लादा है। हाँ। तो भारत की सरकार से बात करके इनका एक सोल्यूशन निकालने की ये कोशिश भी नहीं करते, ये मुद्दों को उलझाकर रखते हैं, चीजों को मतलब बस उलझाकर रखते हैं और अपना एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं कि जब कभी भी आपको वोट्स वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए या फिर कुछ इश्यू चाहिए, जैसे कि आपने जानबूझकर एक प्रॉब्लम को पाल के इश्यू को पाल के रखा है। हाँ। कि वो जख्म हरा करना होता है, जब इलेक्शन का टाइम होता है तो उसको कुरेद दो, सब लोग वहाँ बिजी हो जाएंगे। एग्जैक्टली exactly. तो जैसे कल की रोज की परसों थे, आप मुझसे पूछ रहे थे, आप पूछ रहे थे कि कौन पूछ रहे थे, वो लोग बेरोजगार है, भूखा है, भुखमरी से मारा जा रहा है। पूछा था। तो उस स्थिति में सरकार जो है लोगों को एंटरटेनमेंट में बिजी कर देते। तो लाइक वाइज जब अरुणाचल में बहुत ही बड़ा कोई मुद्दा आएगा, सरकार के ऊपर जब उंगली उठेगी, तो सरकार जो है लोगों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरफ धकेला जाता है कि ये लो दीवार में फेंको, फिर मारो, फिर करो, उसी टाइप का एक गेम होता है ना। आप बॉल को दीवार में जितना जोर से मारोगे वो उतने ही जोर से आपके पास रिटर्न बैक आता है। उसी तरीके से चकमा एंड हाजोंग इशू के साथ में ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे बहुत ये देखकर के ताजुब और हैरानी होती है कि जीता जागता इंसान की जिंदगियों के साथ लोग ऐसे कैसे खेल सकते हैं। गलत बात है ना, उनको भी सही तरीके से जीने का पूरा अधिकार है, पूरा हक है, क्योंकि ये दुनिया जो है, ये मिट्टी, ये पहाड़, ये जल, ये वायु, ये अग्नि, ये पवन, ये सब कुछ उस ऊपर वाले ने बनाई है, जिसे हम अपनी भाषा में एक सुपर नेचुरल गॉड कहते हैं, जिसको हमें हमारी आंखों से कभी वो दिखता नहीं है। जब उस प्रभु ने इस संसार को रचा, इस संसार को, पूरे पृथ्वी को, पूरे आकाश मंडल को बनाया, तब उन्होंने कोई बाउंड्री नहीं दी थी। ये बाउंड्री तो हम लोग हमने बनाई है। हाँ, ये बाउंड्री इंसानी क्रिएट किया वाला चीज है, तो हमने बनाया है बाउंड्री। अभी हम ही ये कर रहे हैं कि ये मेरा इलाका है, यहाँ से तुम उस तरफ जाओ, ये तुम्हारा इलाका है, यहाँ से हम इस तरफ। तो इसी तरीके से मतलब जब ऊपर वाले ने सृष्टि को रचा था, तब किसी को भेदभाव करके नहीं रचा था। आज के डेट में भेदभाव हमसे ही हो रहा है, लेकिन इसके चलते भी फिर जमीन के ऊपर एक कानून बनाई गई है। हर एक देश का अपना अपना संविधान है। टेरिटरी बॉर्डर कर दिया जाता है कि आपका देश हो गया, आपका राज्य हो गया। हर एक देश का अपना अपना संविधान है और उस संविधान के तहत हर एक देश की अपनी अपनी कानून होती है। तो जो कानून भारत के संविधान के अंदर में आता है, उस संविधान के हिसाब से, उस कानून के मद्देनजर रखते हुए भारत की सरकार को कानून के दायरे में रह करके अच्छे अच्छे फैसले लेने हैं, लोगों के हित के लिए फैसले लेने हैं, लोगों के भलाई के लिए फैसले लेने हैं। तो वो भारत की सरकार भी नहीं कर रहे हैं और राज्य की सरकार भी नहीं कर रहे हैं। तो मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है ये देख करके, ये सोच करके कि इसमें इन बिचारों का क्या गलती है यार। सही। ये लोग सबसे सताए हुए लोग हैं, हालात के मारे हुए लोग हैं। अगर आपको हिस्ट्री याद होगा तो आपको पता होगा हिटलर ने कितने लाख, हजार, 40 लाख यहूदियों को, हाँ 40 लाख से ऊपर है वो, जस्ट मतलब काउंट में आता है। हाँ, तो कितने यहूदियों का उन्होंने लहू बहाया, क्योंकि उनको यहूदियों से नफरत थी। अब उसपे भी अगर हम अच्छा से गौर परमा के अगर हम हिस्ट्री में हम रिट्रोस्पेक्ट करते, अच्छा से देखते, तो यहूदियों का भी क्या गलती था, कुछ भी तो गलती नहीं, कोई लेना ही देना नहीं था। हाँ, फिर भी उनका मतलब उनका लहू बहाया गया, उनकी लाशें बिछाई गई। तो वो जो हिस्ट्री में, जो इतिहास में जो गुजर चुका है, वो मुझे यहाँ पे मतलब भविष्य में मुझे उसकी मुझे संकेत आ रहे कि कहीं ऐसा दोबारा वो इतिहास फिर से खुद को ना दोहराए। बेचारे चकमा भाइयों का क्या गलती है, हाजोंग भाइयों का क्या गलती है? वो इंसान है, उनको भगवान ने बनाया, कुदरत ने बनाया, धरती पर वो आए, वो भी तो जीना चाहते है ना। तो उनको जीने देना चाहिए, उनको एक इज्जत भरी जिंदगी प्रदान करना ये भारत की सरकार की जिम्मेदारी है। तो भारत की सरकार को इस पर बहुत जोर देना पड़ेगा। ओके,
मतलब आपका कहना है कि ये स्टेट से ज्यादा ये सेंट्रल की इशू है, सेंट्रल की इशू है, सेंट्रल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंट्रल का जिम्मेदारी है, स्टेट का तो कोई रोल ही नहीं। स्टेट को केवल अपने तरफ से यही क्लियर करना होगा कि नहीं हम अपने पास नहीं रख सकते, या फिर अगर उनके पास प्रोविजन है रखने का तो वो कि रख सकते है या फिर नहीं रख सकते, ये उसको अपना स्टैंड क्लियर लेना है। क्योंकि ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट तो आज 55 साल 58 साल से रखी हुई है। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो बोलना चाहूंगा कि इस पे सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ ऑर्डर पास हुआ था, आई थिंक 2015 में, कि उन्हें दिया रहने दिया जाए, उन्हें सब कुछ दिया जाए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने शायद नकार दिया था। देखिए सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में कुछ चकमा भाई बहनों ने शायद आई थिंक उन लोगों ने पिटीशन फाइल किए होंगे जी, तो उसके बाद में बहुत साल मुकदमा होता रहा, होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में ये वर्डिक्ट दे दिया था कि वो जब इतने साल से यहाँ भारत के अंदर रह रहे हैं तो उसको भारतीय नागरिक कंसीडर किया जाए, उसको मतलब भारतीय इंडियन सिटीजन उन लोगों ने ग्रांट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने इंडियन सिटीजन ग्रांट कर दिया, और उनको भारत की सरकार को ये ऑर्डर दिया कि उनको स्पेसिफाई किया जाए कि उनको कहाँ रखोगे कहाँ नहीं रखोगे, ये आप लोग इस पे काम करो, यही ऑर्डर भारत की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और हम उस ऑर्डर की इज्जत करते हैं, हम मानते हैं, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा ऑर्डर है। तो अभी इसीलिए बात मैं इसीलिए बार बार कह रही थी, घूम फिर के भारत की सरकार के ऊपर ही ये बात, भारत की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप स्पेसिफाई कीजिए कि इनको कहाँ रखने वाले हो, इनको क्लियर करके रखो। आज के डेट तक, उस ऑर्डर के बाद आज के डेट तक भारत की सरकार ये क्यों क्लियर नहीं कर रहे हैं? भारत की सरकार को क्लियर करना चाहिए, हम कहाँ मना कर रहे कि उसको इंडियन सिटीजन नहीं देना है, हम तो चाहते वो जबकि इतने साल से हमारे साथ रह रहे, और जब ये देश बंटवारा नहीं हुआ था तब भी वो इंडियन थे, बंटवारा होने के बाद में बेचारा कुछ दिनों के लिए वो लोग पाकिस्तानी बने, उसके बाद में आज वो फिर इंडियन है, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप देने से हमें कोई मतलब एतराज नहीं है, उनको देना चाहिए। बट फिर जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अरुणाचल का अपना ही एक कानून है, अपना ही एक, वहां पर भी हमारा एक लोकल अपना ही मतलब एक नियम चलता है। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में कस्टमरी लॉ चलता है, वहां पे कोई हिंदू मैरिज एक्ट या क्रिश्चियन मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है, वहाँ हमारा अपना कस्टमरी लॉ चलता है, वहाँ हमारा एक आसाम फ्रॉन्टियर बंगाल, आसाम बंगाल फ्रॉन्टियर एक्ट 1945 के तहत वहाँ पे हमारा एक आर्बिट्रेशन सिस्टम चलता है। तो आर्बिट्रेशन सिस्टम में हमारा एक लोकल कानून होता है, ज्यादातर आज की डेट भी हम लोकल कानून फॉलो करते हैं, हम संविधान को मानते हैं, आईपीसी के कुछ सेक्शंस जो हमारे ऊपर में लायबल होते हैं उसको हम मानते हैं, बट मोस्टली हम अपने सर्वाइवल, अपने डेली लाइफ में हम अपने कस्टमरी लॉ को प्रैक्टिस करते हैं, और वो अधिकार हमें है, हक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। एग्जैक्टली, तो हम अपने कस्टमरी हिसाब से चलते, तो कस्टमरी के हिसाब से जब हम चलते तो वह हमारा कस्टमरी कानून में तो कहीं पर भी आपको अलाउड नहीं कि आप अपना जमीन का एक इंच भी किसी के साथ शेयर करें। तो ये दिक्कत ये है ना, समस्या ये है अरुणाचल में। अच्छा, तो उनका तो डिमांड जस्ट इतना ही है कि उन्हें बस पीआरसी दिया जाए या फिर आरपीसी, तो ये पीआरसी आरपीसी का इशू जो होके रखा हुआ है। तो पीआरसी होता है परमानेंट परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आरपीसी होता है रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट। अब देखिए, ये इसीलिए मैं कह रही थी कि ये लोगों के, इंसानों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, अब इनके बच्चे बड़े हो रहे हैं जी, पढ़ लिख रहे हैं, उसके बाद में हायर एजुकेशन के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए उनको या फिर किसी को एब्रोड जाना पड़ा, या फिर किसी को कोई हाईली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी बोले या कुछ भी बोले, वहां उनको जाना पड़ रहा है। तो इस स्थिति में सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या मांगते हैं? एड्रेस प्रूफ, जैसे ट्राइबल हो तो आपका एसटी मांगते हैं, और एसटी जो भी हो, चाहे वो जनरल ग्राउंड से, ओबीसी से हो, या फिर एसटी से हो, एससी से हो, जो भी हो, आपका बैकग्राउंड, आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए, आपका आइडेंटिफिकेशन चाहिए। तो बेचारे ये चकमा एंड हैजोंस के बच्चे, बच्चों के पास में पीआरसी नहीं है, कैसे होगा? क्योंकि उनका कोई मतलब परमानेंट तयशुदा कोई जगह ही नहीं है। हाँ, जब उनके पास तयशुदा जगह नहीं है तो उनको पीआरसी कहाँ से मिलेगा? तो जब अगर पीआरसी ना सही, कम से कम अरुणाचल में रह रहे, ये कह के आरपीसी दे दो, कह के उन लोगों ने आरपीसी अप्लाई किया, और अरुणाचल की सरकार ने भी बड़े इजी वे में कि चलो फॉर एजुकेशन पर्पज हम आरपीसी इशू करते बोल के उन लोगों ने इशू किया। अब ये जब उन लोगों ने बड़े मतलब कैजुअल वे में आरपीसी इशू किया, अब उनको नहीं पता था कि ये कितना सेंटिमेंटल इशू बनने वाला है ट्राइबल लोगों के लिए। अब ट्राइबल लोग तो रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते ना,
कि जब हम उनको रहने नहीं देंगे, पहले से मना मना थोड़े वो आज से कर रहे हैं, जब से लेकर आए थे तब से ही मना किए जा रहे हैं, मना कर रहे हैं जबरदस्ती अरुणाचल के ऊपर थोपी गई है ना, तो अरुणाचल वाले तब से मना कर रहे हैं, तब से मना कर रहे हैं, और इतने सालों से, इतने मतलब क्या बोलेंगे, इतने डिकेड से मना कर रहे हैं। तो अब अरुणाचल की सरकार ने बड़े आसानी से इजी वे में, कैजुअल वे में आरपीसी इशू कर दिया, तो फिर खून खराबा पे मैटर को लेके आ रहे हैं। बात ये है, प्रॉब्लम चाहे घूम फिर के कुछ भी कहे, मैं इसका पूरा का पूरा श्रेय भारत की सरकार को देना चाहूंगी, और ये सच है, ये सत्य है, भारत की सरकार को इसको जल्द से जल्द रिजोल्व करना चाहिए। नहीं तो ये देखिए आज, और अरुणाचल की सरकार क्या कर रहे, कभी आरपीसी देते, कभी जब अरुणाचल वाले रिटर्न बैक ले लेते हैं, अरुणाचल वाले जब स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, और जब इनकी मतलब क्या कहते हैं, हिंदी अल्फाज मेरे मुंह में नहीं आ रहे, मतलब अपोज करते हैं, तो फिर वो लोग विरोध में करे मतलब विरोध प्रदर्शन करते हैं, इनका विरोध करते हैं, तो फिर कैंसिल कर देते हैं। तो ये एक पपेट्स जैसा खिलवाड़ तो सरकार ही कर दे रहे ना। इसमें सीधा सा बात ये है राजा बेटा, अरुणाचली अपने जगह सही है, वो भी गलत नहीं है, और चकमा और हजोंग भी अपने जगह सही है, उनको भी अधिकार है कि भाई हम इतने साल से यहाँ रह रहे, तो हमको तो रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट चाहिए, मिल जाना चाहिए था। तो क्यों नहीं दे रहे हो, जबकि उनके पास में एक और प्लस पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनको इंडियन सिटीजन ग्रांट कर चुका है, तो अब इंडियन सिटीजन तो वो बन गए, बट अभी अरुणाचली सिटीजन उनको नहीं मिल पा रहे, दिक्कत उनकी दिक्कत ये है। और हम भी यही कह रहे हैं कि उनको अरुणाचली सिटीजन ना दे सही, परंतु उनको इंडियन सिटीजन जब आप मान चुके हो, तो इंडिया में कहीं भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड जगह उनके लिए आप क्रिएट किया जाए, उनको सम्मान पूर्वक इज्जत के साथ उनको भी बसेरा दिया जाए, ताकि हम भी उनके घर आना जाना करेंगे और वो भी हमारे पास आना जाना, हम आपस में कोई ट्रेडिंग भी कर सकते, बिजनेस भी कर सकते, और आपस में एक हमारा एक होमली डोमेस्टिक रिलेशन भी हो सकता है, उनके बच्चों में भी हम अपने बच्चे शादी दे सकते, उनके बच्चों से भी हम अपने लिए बहू बेटी लला के रख सकते। तो इस तरीके से हमको आपसी प्यार और सद्भावना की जरूरत है, नफरत की नहीं। जो नफरत अभी हमारे बीच में इन लोगों ने, सरकारों ने उगा के रखी हुई ना, इसको जड़ से खत्म करना है, यही मेरी सोच है। और एक क्वेश्चन है, मतलब जो अभी हाल फिलहाल जब यहाँ पे धरना भी हुआ था, उसके बाद इसका अपोज करने के लिए वहां से बहुत सारे यूनियन लोगों ने भी अपोज किया था इनके धरना को, और उनका ये भी कहना है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में या फिर जिस पर्टिकुलर एरिया में, अरुणाचल में चकमा एंड हाजोंग की मेजोरिटी है, तो कहा जाता है कि उस इलाके में अरुणाचल वासी जो है, जो वहां के ट्राइबल्स लोग है, उनकी आबादी कम है। आई थिंक जैसे आपने कहा ना चंगलांग, तो उस जगह में शायद सिंगफोर कांती ये टाइप के लोग आई थिंक ज्यादा है। हाँ। तो कहा जाता है कि ये जो ट्राइबल्स लोग मेजोरिटी में, बट इनकी टोटल आबादी और पूरे के पूरे हाजोंग एंड चकमास की आबादी उनसे ज्यादा है, ऐसा भी कुछ कहने को। तो उनका मतलब लोगों का कहना है कि आज अगर इतने छोटे कुले पर्टिकुलर एक जगह में जब ये लोग वहां से आए थे, इनको जब लाया गया था, तो देर अबाउट 14,000 में भी टोटल मिलाकर 14,000, और आज उनकी आबादी लगभग 1.5 से 2 लाख होने वाली है। तो ये भी एक इश्यू बन के आता है क्या कि आबादी उनकी यहाँ के लोगों से, अरुणाचल के लोगों से बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जो क्रम विकास उनका हो रहा है, रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। ऑब्वियसली बढ़ेंगे लोग, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, शादी करेंगे, रिश्ता आगे बढ़ेगा, तो जनसंख्या तो बढ़ेगी ना। अब जनसंख्या बढ़ी हुई है, तो इसीलिए उनके जनसंख्या बढ़ने या घटना वो समस्या नहीं है, समस्या ये है कि उनका परमानेंट लोकेशन कौन सा है, उनको परमानेंट लोकेशन भारत की सरकार को स्पेसिफाइड करना है, दिखाना है उनको। तो जब तक अंतिल अनलेस वो लोग, भारत की सरकार जो उनको परमानेंट लोकेशन नहीं दिखाएंगे, उनके लिए जगह स्पेसिफाइड नहीं करेंगे, तो फिर बहुत ज्यादा आबादी बढ़ती जाएगी तो समस्या और ज्यादा हो जाएगी, और जब समस्या हो जाएगी तो 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं। कभी नहीं। कुछ लोग पढ़े लिखे अच्छे सुलझे लोग होते हैं, मैच्योर लोग होते हैं, तो कुछ लोग उसका जस्ट अपोजिट भी होते हैं, कुछ लोग शॉर्ट साइटेड होते हैं, कुछ लोग पार साइटेड होते हैं, तो जो पार साइटेड वाले होते हैं वो तो मैच्योर होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बट जो शॉर्ट साइटेड वाले होते हैं उनके अंदर में आप मैच्योरिटी कैसे डालोगे, उनका भी टेम्परामेंट शॉर्ट रहेगा, तो वो किसी के साथ भी जो भी उनके साथ उल्टा सीधा बोलेगा या उल्टा सीधा व्यवहार करेगा, लड़ाई झगड़ा तो हो जाएगी।
या फिर अगर नहीं कर पाया तो सिर पे अपना पत्थर पे अपना सिर मार के भी वो अपना जान भी निकाल सकता है। तो ये समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या है, मुझे लगता है कि ये मतलब एक ये क्या मिसाइल बम वगैरह से भी बहुत बड़ी समस्या है। इसका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। एक और क्वेश्चन जो ये है कि जब वहां से आई थिंक जनवरी में उनका एक धरना हुआ था जंतर मंतर में, तो वहां से बहुत सारे लोग आए थे, लगभग 10,000-5,000 के लगभग लोग आए थे और धरना प्रदर्शन किए थे। तो उनका जो डिमांड अरुणाचल में था पीआरसी एंड आरपीसी को लेके, लेकिन यहाँ जंतर मंतर में आते आते वो फिर इश्यू से भटक गए शायद, लोगों का ये कहना, अरुणाचल वासियों का ज्यादातर यही कहना, और उन्होंने ज्यादातर मुझे भी ये क्वेश्चन भेजा था कि वो लोग अपने मुद्दे से भटक गए। आप आरपीसी के लिए आए हो, पीआरसी के लिए आए हो, लेकिन यहाँ जंतर मंतर में आने के बाद उनका मुद्दा मतलब एक रिलीजियस हो गया, एक तरफा उस तरफ चला गया। तो इस पे क्या कहना आपका? ये देखिए, भारत जो अपना हिंदू देश है, भारत मेजॉरिटी हिंदू की, भारत जो हिंदू देश है, ये लोगों का कुछ लोगों का मानना है, लेकिन हमारा मानना है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक देश है। तो इस डेमोक्रेटिक देश में अगर मेजोरिटी 80% पॉपुलेशन हिंदू है, तो हिंदू भाई वाले तो सोचते हैं कि हम तो हिंदू लोग हैं और हमारा डोमिनेशन होना चाहिए। तो जबकि ऑलरेडी इस्लामिक वाले तो अपना देश बनाकर चले गए, बिल्कुल, जिन्ना के साथ, मुस्लिम लीग बना, मुस्लिम लीग बना के जिन्ना ने तो अपना रास्ता निकाल लिया। उसके बाद में अभी जो है ये चकमास जो होते हैं वो बुद्धिस्ट है, और हजोंग्स जो वो हिंदू है। तो शायद उन लोगों को किसी ने समझाया होगा या किसी ने उनको बुद्धि दी होगी कि आप जब राजधानी पहुंच चुके हो तो भाजपा जो है कि भाजपा का बैकबोन जो है राष्ट्रीय स्वयं क्या कहते हैं उसको आरएसएस, अच्छा, उसका जो राष्ट्रीय स्वयं संघ कुछ है, शिवसेना बोल सकते हैं, राष्ट्रीय तो सेना भी है उनका। उनको लगता है कि भाजपा के पीछे आरएसएस जो है बैकबोन है, और आरएसएस बेस्ड ऑन द हिंदू रिलीजन है। तो आप लोग क्यों इस तरीके से अप्रोच नहीं करते हो, शायद किसी ने बोला होगा। इसीलिए यहाँ जंतर मंतर में उन लोगों ने नारेबाजी लगाई कि हिंदू देश में हिंदू लोग खतरे में, तो हिंदू धर्म खतरे में। तो मतलब एक प्रकार से ये गलत धारणा है। हम आज भी मानते हैं कि भारत देश जो एक सेकुलर देश है, यहाँ पर हमारे जैसे ट्राइबल, अभी आज से दो दिन पहले मैं एक रिक्शा में चली थी तो एक रिक्शा ड्राइवर मिला था, वो कह रहे थे कि वो बिहार के परंतु वो आदिवासी है। तो वो आदिवासी है, तो मैंने कहा अरे हम भी तो आदिवासी है, बिल्कुल, हम भी अरुणाचल के आदिवासी है। तो ये जो लैंड है ये प्योरली आदिवासी को बिलोंग करता है। अगर हम पूरा हिस्ट्री में जाएंगे तो आप इस्लामिक बोलिए या हिंदू बोलिए, मुगल्स बोलिए, जो भी बोलिए, आप लोग आए थे बाहर से ट्रेडिंग करने के लिए, बिजनेस के तौर पे, बिजनेस के तौर पे आए थे। ये जो टोटल इंडिया का जो लैंड है ये आदिवासी का लैंड है, और आज बड़ी प्राउड की बात है कि हमारी आदिवासी महिला देश की सर्वश्रेष्ठ पोस्ट पर है, बिल्कुल, देश की राष्ट्रीय गर्व की बात है, गर्व की बात है। तो हम लोग आदिवासी लोग, हम लोग ओरिजिनल लैंड के ऑनर है, हम लोग इसी लैंड में रहने वाले लोग है, इसी लैंड में हम लोग पैदा होने वाले लोग है। और जो लोग बाहर से ट्रेडिंग करने आए थे, ट्रेडिंग करने आए थे और जो ये कर रहे थे ना, तो वो लोग धीरे धीरे यहाँ पर बस गए। तो उसके बाद में आर्यंस आए, द्राविडांस आए, क्या क्या आए, उसके बाद मुगल्स आए, पर्शियन लोग, पर्शियन आए। तो हिस्ट्री पढ़ लीजिए, तो ये गलत धारणा बनाना गलत होगा कि भारत ए हिंदुस्तान जो हिंदुओं का देश है। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश नहीं है, हिंदुस्तान महान देश है जहाँ पे हिंदू भाई भी रहते हैं, मुसलमान भाई भी रहते हैं, सिख ईसाई भाई भी रहते हैं, और हम नेटिव्स जो यहाँ के हम ट्राइबल लोग हैं, हम लोग भी रहते हैं। तो ये किसी ने उनको गलत, एक गलत, मैं तो इसको गलत ही बोलूंगी कि गलत प्रचार किया है कि हिंदू देश में हिंदू खतरे में, ये गलत बात है। ये स्लोगन, ये नारेबाजी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जब उनको शायद, मुझे भी जितना लगता है कि उनको ये चीज भड़काया होगा कि आप लोग इस मुद्दे को लेके चलो, उस हिसाब से तो शायद जो भी बड़े बड़े दल है वो आपके सपोर्ट में आएंगे और इसके लिए वो लोग इश्यू उठाएंगे। क्योंकि देखिए वो भी मतलब बोले, आप जैसे बोले सताए लोग हैं, तो मरता क्या ना करता, तो जब मर रहे तो भाई अब इधर से नहीं तो उधर से शायद इस इश्यू को गर्म करके ही हम अपना काम निकलवा ले, ये भी हो सकता है।
तो उसके बीच में जब इन लोगों ने ऐसा बयानबाजी किया कि हिंदू खतरे में या फिर बुद्धिस्ट खतरे में, अगर बुद्धिस्ट खतरे में होता तो आज हमारे किरण रिजिजू साहब भी बुद्धिस्ट बिलोंग करते हैं जितना मुझे पता है। हाँ वो भी बुद्धिस्ट है और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो है पेमा खांडू जी वो भी बुद्धिस्ट है और हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान चोना मेन जी वो भी बुद्धिस्ट है। तो बताइए कि कहाँ खतरे में है तब ये, मतलब चकमा भाई लोगों से, हाजम भाई लोगों से पूछना होगी तब कहाँ खतरे में आप बताइए। कोई खतरा नहीं है। अरुणाचल में आप कह रहे हो कि बुद्धिस्ट खतरे में, तो देखो वहाँ के तो सीएम साहब ही खुद बुद्धिस्ट है। हाँ वहाँ के सीएम खुद बुद्धिस्ट है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर खुद बुद्धिस्ट है और हमारे लोकसभा के सांसद जो कि भारत देश की लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर है वो भी बुद्धिस्ट है। सारे तो बुद्धिस्ट ही, अरे कंट्री में तो बुद्धिस्टों का रोल चल रहा है, उनका बोलबाला चल रहा है। तो किस एंगल से बुद्धिस्ट यहाँ खतरे में दिख रहा है आपको? और आपको पता है हमारे जो गौतम बुद्ध जी थे, बुद्धा जी, जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने से पहले वो सिद्धार्थ थे, वो भी तो भारतीय थे। बिल्कुल, उनके उनकी जन्मभूमि बिहार है। हाँ ठीक है, तो वो बिहार से बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये धारणा पाल के रखना गलत बात होगी कि बुद्धिस्ट खतरे में है या हिंदू खतरे में है। हिंदू कैसे खतरे में हो सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। तो ये मतलब आप लोगों को भड़काया गया है, आप लोग मतलब ये वीडियो ट्रैवल्स लोग भी देख रहे हैं और हाजुंग चाकुंग चकमा लोग भी देख रहे होंगे, तो आप लोग उस इश्यू से मत भटकिए, ठीक है? क्योंकि देखिए अरुणाचल वासी आपके दुश्मन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी अरुणाचल वासी आपके दुश्मन नहीं है। वो भी चाहते हैं कि आप कहीं बसो भाई, लेकिन आप मुद्दे से भटक के इसको और मामला गर्म ना किया जाए, है कि नहीं? तो इसका आप आपके नजर में क्या लगता है कि इसको परमानेंट सोल्यूशन कैसे किया जा सकता है, आप इसको मुझे बता दीजिए। मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि खींचेंगे तो और भी बहुत सारे इशू निकल के आएंगे और लोग फिर भड़कना चालू होंगे, नहीं चाहते। क्योंकि चकमा हाजोंग पे बहुत सारे लोग क्या करते कि जब वो लोग इशू उठाए हुए थे बीच में, उनका जब अपने स्टेट में अरुणाचल में ही उनका धरना चल रहा था, तो बहुत सारे छोटे छोटे यूट्यूबर्स बोलिए या फिर अपने घर से बैठ के कोई उनको गाली दे रहा है चकमा हाजोंग को, फिर चकमा हाजोंग की तरफ से एक दूसरे के ऊपर गालियां बरसाना स्टार्ट हो जाती है। इससे क्या होता है कि चकमा हाजोंग के नजर में आप बुरे हो रहे हो और ट्रैवल्स लोगों के नजर में कोई चकमा हाजोंग बुरा हो रहा है। तो कोई तो किसी की बुराई नहीं चाहता, आखिर रहना हमें इंडिया में ही है, आज उनको ऐसे ला के रखा हुआ है तो वो लोग भुगत रहे हैं, है ना? तो ये सब ये चीज भी मैं मतलब मेरे अपने पर्सनली तौर पे कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा गाली गलौज ना करे तो बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गाली गलौज करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। गाली गलौज से कभी किसी का सही हुआ है? कभी नहीं। कुछ भला हुआ है? कभी नहीं, कभी नहीं। मार काट से कभी किसी का तो कोई उन्नति नहीं हुआ है? तो गाली गलौज मार काट करने के बजाय हम अगर प्यार से आपस में बैठकर ठंडे दिमाग से भी अगर हम इस पर चर्चा करते हैं, कोई ना कोई निष्कर्ष तो जरूर निकल के आएगा। और मैं बार बार कह रही हूँ पूरे आपके शो में स्टार्ट से लेके यहाँ एंड तक यही कहूंगी कि इसको भारत की सरकार को सॉल्व करना है। भारत के सरकार जब तक इसको सॉल्व करने के लिए वो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। और इसमें सिर्फ चकमा ब्रदर्स सिर्फ प्रताड़ित नहीं है, चकमा ब्रदर्स के साथ साथ हाजोंग ब्रदर्स के साथ साथ हम खुद, हमारे नेटिव, हमारे इंडिजिनियस लोग, हम खुद भी परेशान रहते हैं। बिल्कुल। तो एक तरीके से हम सबको एक मतलब ये हॉट सीट पे बिठा कर रखे हैं। नीचे आपने पूरा आग लगाया हुआ है, ऊपर बेत डाल के चादर डाल के रखा कि बेटा आप यहाँ सो जाओ, नीचे से मैं आग लगाता रहूंगा, तुम्हारा ऊपर तुम्हारा गार्ड जलता रहे, यही बना के रखा हुआ है ना। प्रॉब्लम को, समस्या का समाधान नहीं करके लोगों को सोले पे मतलब लिटा रहे हो, ऐसी टाइप की जिंदगी हमें दे के रखी हुई है। तो हम परेशान नहीं होना चाहते और अपने लोगों को भी परेशान देखना नहीं चाहते और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को तो और भी हम परेशान करना भी नहीं चाहते। तो इसीलिए आपके इस शो के माध्यम से भी मैं जाते जाते भी यही मैं भारत की सरकार से मैं विनती करना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी आप लोग इस इशू को सॉल्व कीजिए। और मेरे चकमा एंड हाजोंग ब्रदर्स को भी मैं ये सलाह देना चाहूंगी कि आप लोग वहां अरुणाचल में आपस में एक दूसरे को धक्का मुक्की गाला गाली करने के बजाय जितना हो सके स्ट्रेस यहाँ भारत की सरकार को डालिए, केंद्र सरकार को डालिए। केंद्र सरकार आपके पास में तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है ना, वर्डिक्ट भी है ना, वो वर्डिक्ट दिखा दिखा कर केंद्र की सरकार को आप लोग हड़ताल कीजिए, आप लोग मेमोरेंडम डालिए, आप लोग धरना कीजिए, केंद्र की सरकार से मांग कीजिए ना। अरुणाचल की सरकार से तो कुछ बोलने का मतलब ही नहीं बनता है। जी हाँ। तो केंद्र की सरकार जब तक स्पेसिफाइड नहीं करेगा
अरुणाचल के सरकार तो कुछ कर नहीं पाएंगे, और अरुणाचल में आप लोग इसी तरीके से आपसी एक दूसरे के साथ पटरा फेंकोगे, एक दूसरे को गाला गाली करोगे, धक्का मुक्की करोगे, तो ये हर तरीके से किसी भी लिहाज से ये सही नहीं है। इसीलिए केंद्र की सरकार को आप लोग स्ट्रेस कीजिए। एक बहन का मुझे मैसेज आया था, शायद कोई प्रिया चकमा जी, प्रियंका चकमा, अच्छा प्रियंका चकमा, तो वो मिलना चाहती थी। मैंने कहा आ जाइए शौक से, जब कभी भी मिल लीजिए, लेकिन आज तक वो उसने मैसेज किया, उसके बाद दोबारा वो उसका दोबारा मैसेज भी नहीं आया और आए भी नहीं। मैं तो वहां जो अपना जो डायम टाइम्स है, उनको डायम टाइम्स के जो लड़के है, जो एडिटर वगैरह है, जो रिपोर्टर है, उनके साथ भी मैं टच में रहती हूँ। मैं उन लोगों को भी यही सलाह देती हूँ कि आप लोग जो इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढिए। एक दूसरे को उंगली करके तो कुछ होने वाला नहीं है, एक दूसरे को उंगली मत कीजिए। अरुणाचल वाले आपके दुश्मन नहीं है, हम सब भी आपके, आपको हम अपना मानते हैं। आप जब इंडियन हो तो मतलब वी इंडियंस आर ऑलवेज सेम फैमिली। हमारे इंडिया का ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी और स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था, वासुदेव कुटुंबकम। तो वासुदेव कुटुंबकम मतलब हम पूरा इंडियन, उसमें तो पूरा संसार को एक पढ़ा, पूरा संसार को एक परिवार बोला था। मैं तो यहाँ कह रही हूँ कि हम जो ये जो हमारा जो देश है, ये कंट्री है, ये हमारा एक परिवार है। तो इस देश के जितने भी देशवासी है, इस देश के जितने भी वासिंदे, वो सब हम भाई भाई, भाई भाई, बहन बहन है। तो इसलिए हम आपसी प्रेम और सद्भावना रखना जरूरी है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एकदम सिंगल फंडा ये कि आप केंद्र सरकार के ऊपर आप लोग प्रेशर डालिए, केंद्र सरकार से बात कीजिए। केंद्र सरकार जब तक नहीं चाहेंगे, और हम भी अरुणाचली भी केंद्र सरकार को ही हम प्रेशराइज करेंगे कि चकमा हजोंग इशू को आप लोग खत्म कीजिए, रिजोल्व कीजिए। आप लोग भी वहां से प्रेशर डालिए और हम भी डालेंगे, हम चाहते हैं इसका परमानेंट सोल्यूशन। मैं उसी ये क्वेश्चन लास्ट करके अंत करूंगा कि चकमा एंड हजोंग अपने आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं जी है? अच्छा, उसके बाद इसके खिलाफ में मतलब चकमा एंड हजोंग को पीआरसी या फिर आरपीसी के लिए आपसू आई थिंक इससे पहले लड़ा था, पूरा का पूरा इशू आपसू ने शायद हैंडल किया था। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि चकमा और हाजोंग वाले जो भी इस मुद्दे को लेके लड़ रहे हैं, अपने आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं, और अरुणाचल के जो यूनियन है, ये दोनों मिल के फिर भारत गवर्नमेंट से क्यों नहीं बात करते? आप अकेला उसके लिए लड़ रहे हो, वो फिर आपके लिए लड़ रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं। देखिए, आपसू का स्टैंड हमेशा से देवान से क्लियर रहा है, आपसू स्टैंड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल, इंडिजिनियस पीपल ऑफ द अरुणाचल। आपसू का हमेशा से अपना एक क्लियर कट स्टैंड रहा है कि गो बैक चकमा एंड हजोंग, गो बैक रेफ्यूजी। तो आपसू कभी भी इस बात को लेकर के कंफ्यूज नहीं है कि चकमा हजोंग को अरुणाचल में सिटीजनशिप देना है बोल के, वो कभी नहीं चाहते। वो उनके सिटीजनशिप, ग्रांटिंग ऑफ सिटीजनशिप टू द चकमा एंड हजोंग, इसके अगेंस्ट में आपसू हमेशा अपना स्टैंड क्लियर लेकर खड़े है, इसमें आपसू का कोई वो नहीं है। और चकमा एंड हजोंग ब्रदर्स भी शुरू से पता है, आपसू आज की नहीं है ना, जब से राज्य की स्थापना हुई है तब से आपसू निकला है, उसके बाद से आपसू ने हमेशा से अपना स्टैंड, चाहे और काल काल में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कोई भी रहा हो, टीम की जितने भी अपने अपने टीम होते अपने अपने एरास में, तो हर एक एरास में जितने भी टीम लीडर निकले, टीम ग्रुप निकले, हमेशा हर ग्रुप के लीडर ने, हर ग्रुप ने आपसू के हर एरा में हमेशा इसको अपोज किया, इसमें कोई दो रहा नहीं है। आपसू इज वेरी मच क्लियर ऑन देयर ओन स्टैंड, तो उसमें कोई दो रहा नहीं है। यहाँ लड़ाई आपसू वर्सेस चकमा हजोंग नहीं होनी चाहिए, मेरा कहना है वही, मेरा क्वेश्चन वही था। तो यहाँ लड़ाई होनी चाहिए, लड़ाई नहीं, मांग होनी चाहिए भारत की सरकार से चकमा एंड हजोंग का। और हम अरुणाचल वाले भी भारत की सरकार को, हम तो मांग नहीं करेंगे, हम अल्टीमेटम देंगे जी हाँ। हम अल्टीमेटम देंगे कि आप इसको क्लियर कीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरा हो जाएगा जी हाँ। तो ये अल्टीमेटम हम भारत की सरकार को, हम एजी अरुणाचल ही हम दे सकते हैं। बट चकमा एंड हजोंग लोगों का पूरा 110% राइट है भारत की सरकार से मांग करने का, वो अपना मांग जारी रखे और जल्द से जल्द इसको खत्म करने की वो लोग गुहार लगाए। मैं दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि वो अपनी इस मुहिम में सफल हो जाए, भारत की सरकार को वो कन्विंस कर सके और उनका परमानेंट सोल्यूशन हो जाए। इसी दुआ और इसी उम्मीद के साथ में मैं यहाँ पर आपसे आज्ञा चाहूंगी। बहुत अच्छे, तो धन्यवाद। आज का एपिसोड फिलहाल मैं इतना ही पे अंत करना चाहूंगा, और अगर इस इश्यू को लेके आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, मतलब अरुणाचल वासी हो तो जो भी है, ट्राइबल्स लोग या फिर चकमा हजोंग भी, तो वो हमें भेज सकते हैं, तो एक अलग से सिंगल एपिसोड हम फिर इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे ऐसे इशू है जो लोगों तक आए नहीं है, खुल के नहीं आए, तो हम चाहते हैं कि उनको हम लोग फिर से
क्लैरिफाई करना चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहे आप लोग हमारे साथ में टॉक्स ऑफ ट्राइब पे, रात के 8 बजे यूट्यूब पे आप लोगों को मिल जाएगा हमारा आपकी शीतल। तो धन्यवाद, थैंक यू।